Assalamu alaikum, welcome back to the class of Ammar Murtaza, the channel Physics with Ammar, the finest and the easiest way to learn the concepts of physics. And today our topic is very difficult topic. Agar ye main kahun to shayad galat nahi hoga. And ye condition hoti hai, difficult topic kyun hai, aur students ko kyun ye difficult lagti hai, even though mujhe bhi lagti thi kisi zamane mein. So, zahiri baat hai ke जब आप सीरीज से कोई चीज नहीं पढ़ते हैं उनकी चेन टूट जाती है तो वो आपको डिफिकल्ट लगती है. इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने जो है वो पहली वाली इसकी चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख लें, मॉडल्स ऑफ एटम्स देख लें. पहले पहले मैंने बात की थी रदरफोर्ड की एटमिक मॉडल की, उसने ही जे.जे. थॉमसन का प्लैंक बॉडिंग जो है वो मॉडल मैंने समा दिया था. फिर जो है वो उसके ड्रॉबैक्स थे, फिर जो है वो बोहर का जो है हमने बात की थी. तो उसके बाद आज इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो इससे रिजेंबल करता है. दैट्स व्हाई आई चूज दिस वन कि आज जो है वो इस पर हम बात करें. आज हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि यहाँ पर बोहर मॉडल अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लें. यहाँ पर बोहर ने हमें बताया था कि एनर्जी जो है वो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अब हम हाइड्रोजन को ही स्टडी करें तो हाइड्रोजन के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होता है. ठीक, तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन होता है और उसे हम हीट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और वो कितनी एनर्जी देगा वो हम कैलकुलेट कर आए हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर. वो होती है जी E2 - E1. कितना जो है वो डिफरेंस है उनके दरमियान, वो जो है वो एनर्जी उन्हें चाहिए होगी तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके. अब यहां की फर्स्ट वाले की हमें पता है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. और फिर माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे आप कौन सी, इसकी सेकेंड वाले की आपकी होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक, तो जब हम माइनस करेंगे इसे तो हमें कितना आएगा, यहां पर माइनस का आएगा. ये तो फर्स्ट वाले की है, ये सेकंड वाले की है, तो -3.4 -13.6. ठीक, तो ये आपका आ जाएगा -3.4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये हो जाएगा आपका 13.6 और ये आपका आ जाएगा प्लस के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी जो है वो इस एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, कि वो अगर यहां से यहां तक जाए, कहां तक, सेकंड शेल तक जाए. अच्छा, सेकंड शेल में अब ये सेकंड शेल से फिर जाएगा क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम होती है किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन में, शेल में रहने की इलेक्ट्रॉन की, वो होती है जी 10^-8 क्या सेकेंड. इतनी जो है वो आपकी लाइफ टाइम होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और रहता है तो. ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना तो रहेगा इसके शेल में, फिर वो अपना जो है वो जंप करेगा अपने ही ऑर्बिट में. वो आपका जब जंप करेगा तो कितनी एनर्जी वो इमिट करेगा. अब जब इमिट करेगा तो वो यहां से अगर इसने यहां तक इमिट की है एनर्जी तो वो किसकी फॉर्म में हो जाएगी, वो रेडिएशन की फॉर्म में इमिट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में. ठीक, अब यहां पर हमने क्या करना है कि इसी हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम देखना है. उस वजह से हमने इस ट्यूब के अंदर क्या कर दी है, गैस को फिल कर दिया है. कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है. और हाइड्रोजन गैस हमें पता है कि वो किसके फॉर्म में मिलती है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलती है. और जब मॉलिक्यूल्स को हम हीट करते हैं तो इनके अंदर जो है वो एटम, इंडिविजुअल एटम की फॉर्म में वो एटॉमिक गैस हो जाती है, यानी H2 जो है वो स्प्लिट हो जाती है 2 हाइड्रोजन एटम के एटम में. ठीक, तो यहां पर जैसे ही हमने इसको हीट किया तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इसकी स्प्लिट हो गई. और हाइड्रोजन गैस जैसे जो है वो स्प्लिट हो जाती है मॉलिक्यूल एटम्स के अंदर तो उन वो जो है वो एक्चुअली क्या करते हैं, अब एक्साइटेड स्टेट में उनके इलेक्ट्रॉन्स जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमने यहां पर इलेक्ट्रोड्स के जरिए इनको करंट भी सप्लाई कर दिया है और इनका प्रेशर भी कम कर दिया है.
जैसे इनका प्रेशर कम होगा और इलेक्ट्रॉन जो करंट सप्लाई होगा, तो यहां पर मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे या फिर जो है वो एक्साइटेड स्टेट से अपनी इनिशियल स्टेट में आएंगे, तो यहां पर एक किस्म के रेडिएशंस जो है वो इमिट होना शुरू हो जाएंगे, वो होगी लाइटिंग की फॉर्म में। जैसे आसमान में क्या होता है, लाइटिंग जो है वो होती है जब, तो हमें वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो ऐसे डिस्क्रीट होती है, कभी जो है वो शो हो जाती है, बंद हो जाती है, तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। सेम तरीके से यहां पर भी हमें डिस्क्रीट फॉर्म में स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, और जैसे वो लाइंस हमें शो होती हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, तो वो जो है हमने स्टडी किया है इसे करंट देके, जो है वैक्यूम पंप से उनका प्रेशर को कम करके, फिर यहां पर उसको पास कराते हैं किसी भी प्रिज्म से। यहां पर एक्चुअली वो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें मिलती हैं, जैसे उसे प्रिज्म से पास करवाया हमने, तो प्रिज्म से जैसे पास करवाया तो उसके आगे हमने फोटोग्राफिक प्लेट रखती है। क्यों रखती है ये प्लेट, क्योंकि यहां पर हमें वो लाइंस शो हो, और वो लाइंस जो है उनके बिटवीन जो है कोई भी इस तरीके की कोई लाइन नहीं होती, जैसे रेनबो के जो है वो दरमियान होता है। रेनबो अगर आपका यहां पर वायलेट है, फिर इंडिगो है, और यहां पर ब्लू है, तो ये तीनों कलर के दरमियान कोई भी लाइन ऑफ डेमार्केशन नहीं होती, ये एक ही साथ जो है वो चली जाती है। यहां पर वायलेट है, फिर इंडिगो शुरू हो जाता है, फिर ब्लू, तो यहां पर इस तरीके से जो है वो कोई ना कोई हमें जो है वो कलर्स की जो है वो लाइंस मिल रही थी, लेकिन वो डिस्क्रीट थी, वो कंटिन्यूस नहीं थी। ठीक है, मतलब यहां पर वायलेट हो गया, फिर इंडिगो हो गया, फिर रेड आ गया, या यहां पर ब्लू आ गया, फिर रेड आ गया, तो मतलब यहां पर कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं मिल रही थी, ये अलग अलग से कोई ना कोई कलर्स थे। और वो यहां पर देखें आप, तो प्रिज्म के जैसे ही यहां पर डिफ्लेक्शन हुई है, डेविएट हुई है, तो सबसे जो कम वेवलेंथ होती है वो होती है आपकी किसकी, कम वेवलेंथ किसकी होती है, ज्यादा वेवलेंथ होती है इसकी, रेड की, कम वेवलेंथ है वायलेट की, तो जो कम वेवलेंथ होती है वो बिल्कुल नीचे आ गया, और जो उनकी जो डेविएशन हुई वो उसकी जो एंगल बनी वो यहां पर ज्यादा बनी, और ये जो रेड है उसकी जो एंगल बनी वो बिल्कुल कम बनी है। अब आपको ये पता है कि जिसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा हो, ये जो 1/f के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब इसकी जो है वो वेवलेंथ क्या है, कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। रेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ कम होती है, और जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और इसमें जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर जो है वो इस सारे सेटअप को पहले स्टडी किया था बाल्मर ने। बाल्मर एक साइंटिस्ट थे जिसने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी दूसरे शेल से किसी भी शेल में एक्साइटेड स्टेट में जाता है, सपोज करें वो थर्ड में आता है, तो फिर जो है वो सेकंड शेल में आता है, फिर जो है वो फोर्थ में जाता है, वो आएगा सेकंड शेल में, फिर जो है वो सिक्स्थ शेल में जाता है, फिर आएगा वो सेकंड शेल में, मतलब सेकंड शेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जाता है तो वो आएगा वापस किस शेल में, सेकंड शेल में आएगा। इसको जो है वो बाल्मर ने बड़ी जो है वो बाल्मर और रेबर्ट इन दोनों साइंटिस्ट ने इसकी जो है वो स्टडी की थी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से हम जो है वो इन लाइंस को देख सकते हैं, ये मेंशन करना भूल गया। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोग्राफ, पहले इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी तो आप उससे भी देख सकते हैं, नहीं तो स्पेक्ट्रोग्राफ पे आप देख सकते हैं इनकी लाइंस, जो भी जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है। तो बाल्मर ने क्या कहा था, बाल्मर ने ये कहा था कि आप जो भी जो है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे से किसी भी शेयर में जाएगा वो आपका दूसरे में फॉलबैक करेगा। ठीक है, अब जो है वो दूसरे साइंटिस्ट आए थे लाइमन। लाइमन ने कहा था कि जो ये रेडबर्ग ने कहा था कि ये जो बार्नर बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जबकि उसने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो सन के लिए, वो जो है वो सन के लिए एप्लीकेबल है, बाकी जो मून के लिए अगर आप देख लें, और हाइड्रोजन हम अगर अर्थ के लिए ले लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो बाल्मर जिनकी बात कर रहा है वो गलत है, उनके लिए क्या होगा कि वो जो अच्छा। फिर इसको जो है वो लाइमन ने कहा, लाइमन ने एक जो है वो सीरीज बनाई, और लाइमन ने क्या कहा कि अगर दूसरे में जाता है तो फिर फर्स्ट में आएगा, तीसरे में जाता, मतलब किसी भी जो भी जो है वो ये शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं,
किसी में भी एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन जाता है किसी दूसरे में, किसी भी शेल में मेहमान के तौर पर, तो वो वापस जो है वो फर्स्ट में आएगा। सेम तरीके से पास्टन आए, उसने बात की कि थर्ड में आएगा, और फिर जो ब्रैकेट है इसने कहा कि फोर्थ में आएगा, अगर फोर्थ में से कहीं भी जाता है और पीफंड है वो आए तो उसने कहा कि फिफ्थ में आएगा। मतलब ये पूरे जैसे साइंटिस्ट आते गए तो इन्होंने जो है वो एक एक को इंक्रीज करके इन्होंने एक लाइंस बना दी स्पेक्ट्रम। मतलब इन्होंने कहा कि अगर जो है वो फर्स्ट में आएगा जैसे लाइमन ने कहा, फिर बार्मर ने पहले ही कहा कह दिया था कि सेकंड में आएगा, लेकिन वो वैलिड किसके लिए था, सन के लिए, सन के जो है वो एटम्स के लिए, बाकी जो है वो अर्थ और मून के लिए इसने कहा था कि रेडबर्ग ने ये नहीं है। तो रेडबर्ग ने इन सारों का जो मसला है वो हल कर दिया। इसने क्या कहा, रेडबर्ग ने कहा कि 1/λ इज इक्वल टू, अब यहां पर इज इक्वल टू 1/r, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है ठीक। अच्छा इसका वैल्यू क्या है, 0.09 × 10⁻¹ समथिंग, मुझे भी याद नहीं यार, आप कंफर्म कर लीजिएगा ठीक। तो इसका जो है वो वैल्यू ऐसे ही है कोई, तो 97 और ऐसे ही कोई था वैल्यू ठीक। तो रेडबर्ग जो है वो यहां पर कांस्टेंट है, और 1/1² ये लाइमन की सीरीज है, फिर बार्मर की सीरीज है 1/2² क्योंकि सेकंड में आएगा, जहां भी जाएगा मेहमान के तौर पर तो आएगा सेकंड में ही। फिर जो है वो यहां पर 1/3², ये जो है आपकी पास्टन ने कहा था कि जहां भी जाएगा इलेक्ट्रॉन आएगा थर्ड में, तो उसके बाद आए थे ब्रैकेट, ब्रैकेट ने कहा था कि फोर्थ में, फिर फिफ्थ में, इस तरीके से जो है वो ये लाइन जो है वो बनती गई ठीक। रेडबर्ग ने सबका मसला हल कर दिया, रेडबर्ग ने कहा कि जिसमें भी जाए आप उसकी जो है वो क्या, अगर आप एक्साइट कर रहे हैं किसी भी एटम को, अगर वो थर्ड में से जाता है या फोर्थ में से जाता है या फिफ्थ में से जाता है, जहां से भी जाता है या फर्स्ट और सेकंड में जाता है, आएगा तो अपने ही उसी जो है वो शेल में जहां से वो जाता है, इस टाइम के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो 10⁻⁸ सेकंड के लिए जाता है, फिर तो आता ही अपने शेल में है। तो जैसे वो अपने ही शेल में आएगा तो जिसमें भी हो, वो आपका फर्स्ट से गया हो, सेकंड से गया हो, थर्ड से गया हो, उसने कहा क्या था, उसने कहा था कि 1/(n⁻²) वो कहीं से भी हो, जैसे यहां पर 1/(n), n1 का वैल्यू लाइमन के लिए 1 है, n1 का वैल्यू बार्मर के लिए 2 है, n1 का वैल्यू पास्टन के लिए 3 है, n1 का वैल्यू ब्रैकेट के लिए 4 है, और n1 का वैल्यू पीफंड के लिए 5 है। तो यहां पर लाइमन ने कहा था कि 1 में आएगा तो जाहिर बात है n2 इसका इससे ज्यादा होगा, n2 greater than n1, तो यहां पर n2 स्टार्ट होता है 2, 3, 4, 5 ठीक। तो यहां पर -1/(n²) इसने सबका मसला हल कर दिया। अब जो है वो यहां पर इसने कंडीशन लगा दी कि n2 greater than n1, जाहिर सी बात है जिसमें आएगा और जिसमें गया होगा, जिसमें गया होगा एक्साइट होके, वो तो n1 से बड़ा होगा, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि n2 greater हो गया n1 से ठीक हो गया। अब जो लाइमन सीरीज आती थी वो हमें विजिबल नहीं थी, वो एक रीजन में बन रही थी, वो आपकी 400 nanometer² से आपकी 700 nanometer यानी आपकी 4000 जो है वो एंगस्ट्रॉम से आपकी 7800 एंगस्ट्रॉम के दरमियान नहीं थी या इससे कम नहीं थी। ये जो लाइमन की सीरीज थी, ये जो आपकी लाइंस बन रही थी, वो आपकी इनसे कम थी, आप इनसे नापे या इनसे ज्यादातर एंगस्ट्रॉम में होती हैं, तो मैं आपको एंगस्ट्रॉम का एग्जांपल दे देता हूं। तो वो आपकी लाइमन की आ रही थी 3000 और समथिंग में, जबकि आपकी बार्मर की जो लाइन थी वो आ रही थी आपकी लाइंस 4000 और 7000 के दरमियान कोई, या उनकी स्टार्ट जो है वो 3000 और 800 से हो रही थी, जो कि करीब करीब 4000 के करीब है। तो उनकी जो लाइंस हो रही थी वो इनके दरमियान हो गई थी। अब इन रीजन को, इस रीजन की जो लाइट्स हैं उनको जो है हमारी आई जो है वो देख सकती है, तो इसको हमने कहा कि ये विजिबल रीजन है।
बाकी ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम नहीं देख सकते, ये जो विजिबल रेडिएशन होते हैं, रेज होते हैं, वो हम देख सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इन सारी लाइंस में, इन सारी वेवलेंथ में सिर्फ और सिर्फ बाल्मर की जो सीरीज है वही विजिबल थी। बाकी पास्टन हो गया, पैकेट हो गया, पीफर्ट, ये आपका इंफ्रारेड रीजन में आता था। तो आपकी ये जो बाल्मर है वो इन सब में सिर्फ और सिर्फ हमारी आंख देख सकती है। तो ये था आज का आपके लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पॉइंट्स को जो है वो कैसे डिटेक्ट किया गया। मैं आपको एक दफा रिपीट करता हूं जल्दी जल्दी से कि ये हमें बोहर ने बताया था कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हायर स्टेट में जाता है तो वो अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फिर ही जाता है, और जब जो है वो आपका वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आता है तो वो आपकी एनर्जी को इमिट करता है। अब यहां पर देखें कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपकी फर्स्ट जो है वो ऑर्बिट में एनर्जी है, अगर वो एब्जॉर्ब करेगा इतनी तो फिर आपका सेकंड में जाएगा, मतलब -10.2 एब्जॉर्ब करेगा तो फिर आपका सेकंड में जाएगा। अब यहां फर्स्ट की इतनी होती है, फिर आपकी सेकंड की होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड की होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर आपकी होती है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आपकी जैसे ज्यादा दूर जाते रहेंगे न्यूक्लियस से उतनी जो है वो उनकी जो बॉन्डिंग है, जो इसका फोर्स है न्यूक्लियस से वो कम होता जाएगा। तो ये कहा था कि बोहर ने कि आप अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है किसी भी शेल में तो उनका जो उनकी जो जो डिफरेंस है उन शेल्स उन एनर्जी लेवल्स का उतनी जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब एक्साइटेड स्टेट से फिर आ जाएगा अपनी जो है वो घर में तो उतनी एनर्जी जो है वो इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। तो यहां पर जो है वो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में इसको स्टडी किया, हाइड्रोजन को जो है वो ब्रेक किया हाइड्रोजन एटम में, जैसे हाइड्रोजन एटम में ब्रेक किया तो उनको जो है वो प्रेशर भी घटा दिया, और इसका जो इलेक्ट्रॉन्स के जरिए हमने इसको जो है वो करंट भी दिया, फिर इसका जो है वो हमने लिया यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट पर उनके आगे प्रिज्म रख दिया, क्योंकि प्रिज्म जो है वो उनकी क्वालिटी होती है कि वो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट्स होती हैं उनको बिल्कुल स्प्लिट कर देता है। जैसे उसने स्प्लिट कर दी तो यहां पर हमने कुछ लाइट्स जो है वो शो हुई जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में थी और कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं थी, तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बन रहा था वो डिस्क्रीट था, वो कंटिन्यूस नहीं था। ठीक, तो फिर जो है वो यहां पर जो हमें डिफरेंट साइंटिस्ट आए जैसे बाल्मर आए थे, बाल्मर ने ये बात कही थी कि N2 जो है वो N1=2, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो N2 से जाएगा वो N2 में ही वापस आएगा। इस तरीके से आपका लाइमन आया था, उसने कहा था कि N1 से जब भी जाएगा वो N1 में आएगा, मतलब इन्होंने डिफरेंट जो है वो N1 का वैल्यू जो है वो चेंज कर दिया था। फिर रेडबर्ग आए थे, रेडबर्ग ने कहा था कि आपका जो है वो ये झगड़ा खत्म हो गया, और रेडबर्ग ने एक अपना कॉन्स्टेंट भी मुतारफ किया था, और उसने कहा था कि 1/N1²-1/N2², फिर आए कोई साइंटिस्ट वो कहे कि N6 में आएगा या N7 में आएगा, तो इसने कहा था कि कोई भी जो है वो आपका इस जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट्स में या किसी भी शेल से जाता है तो वो आपका N1 होता है, जिस एक्साइटेड स्टेट में जाता है वो जाहिर बात है वो N1 से ग्रेटर होगी तो वो आपका N2 होता है। तो ये रेडबर्ग ने एक जनरल फार्मूला दे दिया था और कंडीशन अप्लाई कर दी थी कि N2 ग्रेटर होता है N1 से, और इससे ही हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जीज है उनका जो है वो पता लगा सकते हैं उनके डिफरेंस से, और ये जो है हम स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए से हम जो है वो मालूम कर सकते हैं। और जो बाल्मर ने जो सीरीज दी थी वही वो उसी वेवलेंथ की जो है इन्हीं वेवलेंथ की जो लाइट है वो हमें विजिबल है, हम हमारी आंखों से देख सकती है। अगर लाइमन सीरीज की हम बात करें तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन है वो हम नहीं देख सकते, ना ही हम इंफ्रारेड रीजन देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो लिमिटेशन थी वो 4000 एंगस्ट्रॉम से करीब करीब 7000 या 8000 तक थी, तो जो है वो ये हमारी विजिबल जो है वो लाइट है और वो हमारी आंख जो है वो डिटेक्ट कर सकती है और देख सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर इसी में से आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, हिट द लाइक बटन, और इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इसको जो है वो आप नोट कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।